नशा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। नशे की अवैध कमाई से देश विरोधी शक्तियां देश में अशांति व आतंक फैलाते हैं। सत्ता में आते ही इन मानवता और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ मुहिम में तेजी लाई। जिस पैसे से ड्रग्स खरीदी जाती है उसी पैसे का इस्तेमाल हथियार और गोलियां, बम बारूक और बंदूक खरीदने में किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त देश के संकल्प के साथ मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई। संस्थाओं में समन्वय, संस्थागत ढांचे में सुदृढ़ता और जन जागरूकता अभियान। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर जोर देकर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने 2019 से एक अप्रोच लिया है समन्वय और सहयोग के आधार पर नारकोटिक्स के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है इसको पुख्ता करना, मजबूत करना, परिणाम लक्ष्य बनाना और सफल। वर्ष 2019 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गठित 4 स्तरीय एनकॉट द्वारा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप की नीति से कार्रवाई में तेजी आई। इसके साथ ही एनसीबी को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2019 में मादक पदार्थों की तस्करी और उसकी विस्तृत जांच के लिए जेसीसी का गठन हुआ। इसके साथ ही एनसीबी के कैडर का भी पुनर्गठन किया गया। दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एनसीबी ने सभी गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस निदान तैयार किया है। इसमें गिरफ्तार अपराधियों की सभी जानकारी जैसे फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, मामले का विवरण, अदालती आदेश इकट्ठे किए जाते हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के ट्रेंड एनालिसिस एवं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सिम्स ई पोर्टल भी विकसित किया गया है। नशे के वित्तीय लेन देन पर नकेल कसते हुए FIU IND, ED एवं अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर संपत्ति जब्ती में तेजी की गई है। इसके तहत जून 2023 तक एनसीबी ने ऐसे 33 मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर 7 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी फ्रीज की है। गृह मंत्रालय ने नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के लिए ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार कर इसके मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया है। मादक पदार्थों को सूंघकर पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पुल की स्थापना की गई है और पहले चरण में 10 कार्यालय खोले गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने समुद्री मार्ग से होने वाली ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी तटवर्ती प्रदेशों के साथ कोस्ट गार्ड, नेवी, पोर्ट्स अथॉरिटी को विशेष प्रयास के निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की खेती की समस्या के निवारण हेतु ड्रोन के प्रयोग के लिए एक अंतर मंत्रालय स्टडी ग्रुप का गठन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में किए गए इन प्रयासों का ही परिणाम है कि एनसीबी द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई है और इसके कारोबारियों के विरुद्ध 199% अधिक मामले दर्ज हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत को नशा मुक्त करने का अभियान अब रंग लाने लगा है। देश अब नशा और उसके व्यापार की जड़ों पर प्रहार करते हुए नशा मुक्त भारत की ओर सशक्त कदम बढ़ा रहा है।